हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर शिक्षकों की नजर से। सब धरती कागज करूं लेखन सब बिन राय, सात समंदर की मां सरूं गुरु गुण लिखाना चाहे। जी देखिए, घर पहुंच जाने का परिवहन तो या तो माँ की कुकर की सीटी से होता है या पिताजी की कोई अनोखी आदत से। साथ ही में एक और चीज है जिससे घर पहुंच जाने का अनुभव होता है, और वो है हिंदी भाषा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस बोली में पूरा इतिहास छिपा है, हमारी सारी सांस्कृतिक धरोहर बसी है। आइए उसकी विविधता को समझें, उसका प्रोत्साहन करें, और एक बार फिर चलिए आइए घर चलें। धन्यवाद। आपके विचारों और दृष्टिकोण पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले हिंदी लेखक कौन हैं? एक रचना पढ़ी जिसने मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला है, वो है निर्मला। निर्मला 1926 में लिखी गई कृति है और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी की वो तब थी। प्रेमचंद ने मुझे बहुत मुतासर किया है, जैसा कई हिंदी और उर्दू के पाठकों को उन्होंने मुतासर किया ही है। हाल ही में आपने किन हिंदी लेखकों की कृतियाँ पढ़ी हैं? आजकल मेरे दिल की परछाई में तनवीर गाजी पाए जाते हैं। इनकी एक कविता है, हाल ही में वो एक हिंदी फिल्म पिंक में भी आई थी। सुरेंद्र वर्मा की, जो कि बहुत बड़े साहित्यकार है, उनकी एक रचना पढ़ी है, मुझे चांद चाहिए। एक धरोहर जिसे संजोना है। हमें अपनी ये मल्टीलिंगुअलिज्म खोनी नहीं चाहिए। हालांकि एक दुर्दशा है हमारी जबानों की कि हर रोज या हर कुछ दिन में एक पहाड़ी या कोई और दूसरी छोटी जबान मर रही है, लेकिन मेरी यही गुजारिश है अपने स्टूडेंट से और सभी सुनने वालों से कि हम अपनी मादरी जबानों में लिखें, पढ़ें, और उनसे शायद जितना हो सके तर्जुमे का काम भी करें या तर्जुमे पढ़ें, और इसी से हिंदुस्तान और करीब आ सकता है और हम दुनिया के भी और जबानों और कल्चर्स के करीब आ सकते हैं।